हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड गाइस, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन नर्सिंग। नर्सिंग इस कोर्स में, इस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट तीन सब्जेक्ट्स जो आपको समझने चाहिए, आपको जिसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में बने रहिए। वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि हम तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में सबसे एक नंबर पे आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कहा जाता है या फिर नर्सिंग फाउंडेशन ये भी कहा जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सबसे बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पूरे नर्सिंग करियर में, आपके पूरे नर्सिंग लाइफ में जो भी बातें आप सीखने वाले हो या फिर जो भी आप प्रैक्टिकली करने वाले हो, एक्सपीरियंस लेने वाले हो, वो आप यहीं से सीखते हो, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से सीखते हो। फिर चाहे नर्सिंग की डेफिनेशन ही क्यों ना हो, स्टार्ट करते हैं नर्सिंग की डेफिनेशन से, तो यहीं पे आप सीखते हो नर्सिंग की डेफिनेशन। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग फाउंडेशन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप नर्सिंग की ABCD सीखते हो। तो फिर प्रोसीजर्स हुई और कई सारे इंपॉर्टेंट बातें हुई, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हुए, ये सभी बात आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट में सीखते हो। तो दोस्तों, आपने नर्सिंग फील्ड में एडमिशन लिया है, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो इस सब्जेक्ट का, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, अच्छी तरीके से स्टडी करिए, ध्यान देकर स्टडी करिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट आपको आगे ले जाने वाला है, आपके पूरे करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट था फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की। अब सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो है मिडवाइफरी नर्सिंग एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, या फिर जिसे OBG भी कहा जाता है। यहाँ पे सीजरन सेक्शन क्या होता है, लेबर क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे कंडक्ट करते हैं, और कई सारे इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स आप यहाँ पर सीखते हो। दोस्तों, तीन साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर BSc नर्सिंग के, आप लाइक अदर सब्जेक्ट सीखते हो, हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट सीखते हो, बट ये जो फोर्थ ईयर में आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सीखते हो, वो तीन सालों से अलग होता है। जो नर्सिंग प्रिंसिपल्स और जो छोटी छोटी बातें आप सीखते हो थर्ड ईयर तक, वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट ये थोड़ा अलग होता है। तो इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें GNM की, तो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यही इसका मेन टॉपिक या फिर यही उसका मेन एलेबोरेशन है। तो मिडवाइफरी या फिर OBG, ये जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड नंबर पे आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब आप फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, या फिर अगर हम GNM की बात करें तो सेकेंड या थर्ड ईयर में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको होता है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप नर्सिंग में स्टडी करते हो तो गायनेकोलॉजी इस सब्जेक्ट का ध्यान देकर स्टडी करें, अच्छे से फोकस करके स्टडी करें। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर टाइम दे सकते हो अपना टाइम टेबल में, तो उतना ज़्यादा इन सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, और वो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जितने भी आप मेडिकल कोर्सेज देखो या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज देखो, चाहे मेडिकल कोर्सेज में, चाहे MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, या फिर पैरामेडिकल कोर्स में BPTH हो, नर्सिंग हो, या फिर BPharmacy हो, कोई भी कोर्सेज आप देखो, वहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये 100% होता है। बिकॉज हम जो भी यहाँ पे मेडिकल फील्ड में या फिर पैरामेडिकल फील्ड में जो भी हम करने वाले होते हैं, वो सभी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी होते हैं। और ये कुछ करने से पहले या फिर कुछ सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब ह्यूमन बॉडी के बारे में मतलब ह्यूमंस में कितने बोन होते हैं, ह्यूमंस में कितने मसल्स होते हैं, और लाइक सिस्टम्स कौन से होते हैं, और किस तरह से कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, किस तरह से सब फंक्शन होता है, कौन सी प्रोसीजर कैसे होते हैं, ये सभी बातों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से डिटेल वाकिफ होते हैं, और ये सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको अच्छा नॉलेज आता है, तो फिर उसके बाद आगे जो भी आप करते हो, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये जो आगे जो आप सब्जेक्ट सीखने वाले हो, या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, तो ये जो सब्जेक्ट आप आगे सीखने वाले हो, वो सब्जेक्ट आपको इजी जाएंगे अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छी तरीके से आती हो। और ये जो थर्ड सब्जेक्ट है, उसमें एक और सब्जेक्ट मैं ऐड करूँगा, वो है फार्माकोलॉजी। दोस्तों, अब हम जब केयर देते हो, नर्सिंग केयर, तो वहाँ पर कुछ
फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स आते हैं, कुछ ड्रग्स मेडिकेशंस ये भी आते हैं, तो ड्रग्स किस तरह से एडमिनिस्टर करना, ड्रग्स के डोसेजेस बनाना और कई सारे बातें होते हैं जो हमें फार्माकोलॉजी से सीखने को मिलते हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ साथ फार्माकोलॉजी ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो बीएससी नर्सिंग में सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी ये सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के लिए आप स्पेशल ध्यान दीजिए और इसके ऊपर अच्छा अच्छी तरीके से सेपरेट टाइम निकाल कर अच्छा स्टडी करिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाने वाला है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड मैंने बताया ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जिसे OBGYN भी कहते हैं, थर्ड सब्जेक्ट मैंने बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्लस उसके साथ फार्माकोलॉजी भी। तो ये तीन चार सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग करियर में या फिर नर्सिंग फील्ड में जब आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट्स को स्पेशल फोकस दीजिए, अच्छी तरह से इन सब्जेक्ट्स का स्टडी करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए और अगला वीडियो कौन सा होने वाला है। अगर इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी चाहिए, वीडियोस के अपडेट आपको चाहिए, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं स्टोरीज डालता हूँ, वहाँ पर मैं अपडेट्स देता हूँ कौन सा वीडियो कब आने वाला है और किसके रिलेटेड कौन से टॉपिक के रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up.